जय जिन दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉजिटिविटी विद रेखा में। नई सोच, नया विचार। मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने सुनी है राजा भोज की कहानियां, बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी। एक बार राजा भोज के मन में विचार आया कि किसी राजपुरुष का चयन करते हैं। तब उन्होंने एक वाटिका बनवाई और उस वाटिका को राजा भोज ने मूल्यवान चीजों से भर दिया। राजा भोज ने अपनी समझ से और भी बहुत सारी वस्तुएं उस वाटिका में रखवा दी, परंतु राजा भोज ने किसी भी वस्तु पर कोई मूल्य नहीं लिखवाया। बारी बारी से हर व्यक्ति को बोला गया कि वह जाए और सबसे मूल्यवान वस्तु को उठा कर लाए। पहला व्यक्ति गया, उसने हीरे जवाहरत का चयन किया क्योंकि उसकी नजर में यही सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसके बाद एक व्यक्ति ने पुस्तकों को उठाया क्योंकि वह समझता था कि ज्ञान से ज्यादा कुछ मूल्यवान नहीं है। तीसरा व्यक्ति बहुत गरीब था, उसने वहां से रोटी को उठाया क्योंकि उसके लिए उसकी जिंदगी में रोटी से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं था। इसी तरह हर व्यक्ति ने अपनी समझ से उस वाटिका से कुछ ना कुछ उठाया। उस वाटिका में एक योगी जी आए, उन्होंने सभी वस्तुओं पर नजर डाली, खाली हाथ ही लौट गए। भोज ने एक एक करके सभी व्यक्तियों की लाई हुई वस्तुओं को देखा, लेकिन जब वह योगी जी के पास आए तो बोले, क्या आपको उन वस्तुओं में से कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं लगी? आप तो खाली हाथ लौट आए। योगी जी ने क्या कहा, मैं वाटिका से लाया हूँ संतोष धन, संतोष से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है संतोष धन, संतोष के सिवा। राजा भोज बोले कि वो कैसे? तब योगी जी बोले कि देखिए महाराज, जितनी भी वस्तुएं उस वाटिका में रखी हैं, ये वे सभी वस्तुएं हमें थोड़ी देर के लिए खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए सुख नहीं दे सकती, हमारी तृप्ति नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पाने के बाद हमें और वस्तुएं पाने की इच्छाएं आती रहेंगी हमारे मन में। आज हम एक चीज पालेंगे तो कल हम दो चीजों के लिए और अपनी इच्छा को बलवान करते रहेंगे। परंतु संतोष एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता, कि वो हमारे लिए जीवन भर उपयोगी है। हमारी भाग दौड़, टेंशन, तनाव सब खत्म हो जाता है। राजा भोज उस योगी की बातों से बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि आज उन्हें राज्य के लिए एक बहुत ही बेहतरीन राजपुरुष मिल गया था। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त है, हमें उसमें संतुष्ट रहना है, सेटिस्फाइड होना है, क्योंकि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सुंदर से पॉजिटिव विचार के साथ बाय करती हूँ और मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मेरा एक नया चैनल है वाव वंडर्स ऑफ वेमेन, तो प्लीज जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। जो साथ और सहयोग आप मुझे मेरे चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा में दे रहे हैं, वही साथ और सहयोग आप मुझे मेरे दूसरे चैनल वाव में भी दीजिएगा, वंडर्स ऑफ वेमेन। बाय बाय दोस्तों, सी यू सून।